वेलकम टू द स्माइल विद प्रवीण। आज हमारे साथ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन बेहद खास मेहमान हैं, जो कि NITJ फोटोग्राफी क्लब के हेड्स मैडी सर, हेलो सैसव सर और कुलदीप सर। सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे शो में। कभी कुलदीप सर आपने सोचा था कि आपको इतने बड़े शो में आने का मौका पहले जिंदगी में पहली बार हमारा कोई इंटरव्यू हो रहा है फोटोग्राफी क्लब के बारे में। मैडी सर सबसे पहले शुरुआत करता हूँ आपसे। सर आपने सेकेंड ईयर में ज्वाइन किया फोटोग्राफी क्लब और अब आप फाइनल ईयर में आ चुके हो, आप हेड हो इस टाइम, तो आपने क्या चेंजेस देखे सर फोटोग्राफी क्लब में? कितने चेंजेस हुए फोटोग्राफी क्लब में? एक्चुअली चेंजेस हुए तब से ही हैं जब शुरुआत हुई थी 2014 से। एक्चुअली हमारे क्लब को फॉर्म करने वाले दो सीनियर थे हमारे, उनका नाम है युगदीपिंदर सर और स्निमर सर। उनके बाद क्लब को हैंडल किया था मिदुल सर, हर्षभट्टी सर और सम्राट सर ने, जिनके कोऑर्डिनेशन के अंदर, मतलब हमारे मदद के द्वारा, हम तीन हेड्स हैं जैसे, हमारी मदद के द्वारा अब क्लब इस रेंज पे पहुंच चुका है कि कॉलेज में जितने लोग पढ़ते हैं सबको पता है कि कॉलेज में क्लब एग्जिस्ट करता है, वो NITJ फोटोग्राफी क्लब। जब हम लोगों ने ज्वाइन किया था उस टाइम किसी को पता नहीं था कि ऐसा कोई क्लब भी है और हम लोगों को बुलाकर फिर ज्वाइन करवाया गया। किसी चीज को स्टार्ट करने के लिए पहले इनिशिएटिव तो चाहिए होता है। रिजल्ट की बात बाद में होती है कि ऊपर जाएगा नहीं जाएगा। इससे तुम्हारे एग्जांपल जो तुमने स्टार्टअप किया है बहुत अच्छी चीज़, अब तुम्हें क्या पता कि आगे आगे मतलब कितना सक्सेस रहेगा या नहीं रहेगा। वही चीज़ सर की थी, जब सर ने हमें ज्वाइन करवाया था, मेरे को अभी भी याद है, कुछ 500 समथिंग और 600 फेसबुक लाइक, फेसबुक लाइक और तुम मानो कि एक साल भी नहीं हुआ उस बात को, अभी मेरे ख्याल से 9 या 10 महीने हुए और उसके लाइक्स अराउंड 4500 लाइक्स हैं। यस सर। तो ये चेंज तुम देख सकते हो। हमने बस हमने क्या किया, हमने मेहनत की, हमने फल की चिंता नहीं की, हम करते रहे करते रहे, मेहनत करते रहे, तो अल्टीमेटली रिजल्ट हमें मिल गया। एक्चुअली ज्यादा बड़ा इनिशिएटिव मिथुन सर और मिथुन सर लोगों का, इन लोगों का था। एग्जैक्टली पूरा कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपने इस हद तक पहुँचाया NITJ फोटोग्राफी क्लब को। सर आप तीनों हेड क्यों बने, ये क्वेश्चन भी काफी लोगों के माइंड में है। हाँ, इसका जवाब मैं देना चाहूंगा। क्या कोई कोऑर्डिनेशन की कमी थी ऐसा? नहीं 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 नहीं, तीनों अलग अलग हेड्स। हाँ, हम तीन हेड्स हैं, सबको ये पता है कि हम तीन हेड्स हैं, हर एक सोसाइटी में बेसिकली एक ही हेड होता है। तो हम तीनों का हेड होने का कारण ये था कि पूरे क्लब का मैनेजिंग पार्ट जो है वो मैं देखता हूँ, जो भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम है कुछ भी है वो ये देखता है और वो फोटोग्राफी देखता है। तो हम जब जूनियर्स को रिक्रूट भी करते हैं अपने क्लब में तो इसी बेसिस पे करते हैं कि उस बंदे को सॉफ्टवेयर एडिटिंग स्किल्स होने चाहिए, मैनेजिंग स्किल्स होने चाहिए, फिर फोटोग्राफी। तो तीनों टाइप के इंटरव्यूज भी होते हैं, मैं लेता हूँ फोटोग्राफी वाले इंटरव्यू, वो लेता है मैनेजिंग वाले और ये लेता है सॉफ्टवेयर वाले। और इसमें एक ये चीज़ है कि हम तीन है ना, तो हम तीन नहीं मेम्बर होंगे, हम एक ही हैं, हम एक ही हैं, ठीक है, तीनों एक ही हैं। और हम ऐसे एक भी जाते तो हम तीन में से दो नहीं बचेंगे, हम जीरो हो जाएंगे, वह तीनों से भी जाते, तो हम में से तीनों इकट्ठे हैं। बहुत अच्छी सोच है सर आपकी। सर जो टेक फेस्ट होते हैं हमारे, कल्चरल फेस्ट होते हैं, उसके अंदर आपकी जैसे हमने देखा है फोटो एग्जीबिशन आप करते हैं उसमें, तो उसका क्या मोटिवेशन है? मोटिव बेसिकली यही है कि टैलेंट को शोकेस करना है। फोटोग्राफी जैसे मैंने पहले बोला था कि हॉबी समझते हैं लोग, इसको प्रोफेशन नहीं समझते कि ये प्रोफेशन नहीं एज अ परस्यू किया जा सकता, कि इसे पैसे नहीं अर्न किया जा सकते। तो वो चीज़ हम दिखाते हैं कि एक लोगों का टैलेंट दिखाते हैं कि ये एग्जीबिशन एक आर्ट है, ठीक है, हम चाहते हैं कि आप इसे प्रोफेशन आ सकते हो। हम लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं एग्जीबिशन के थ्रू, जैसे कि कोई भी फैकल्टी मेम्बर हमारे, ऐसे फॉर एग्जाम्पल रिस्टार सर का एग्जाम्पल ले लूँगा मैं, जैसे रजिस्ट्रार सर हमारी एग्जीबिशन जब भी विजिट करते हो इतना ज़्यादा मतलब खुश होकर जाते हैं, इस बार भी बहुत खुश हो गए और मतलब लिटरली वो इतने मोटिवेट होते हैं कि हाँ कि तुम ये फोटोज़ है ना मेरे ऑफिस में लगाओ, उन्होंने ये बात बोली कि मेरे ऑफिस में लगाओ। LP सर उन्होंने हमसे दो फ्रेम्स ली कि ये फोटोज़ मेरे को चाहिए चाहिए, मेरे को ऑफिस में चाहिए चाहिए, जो मर्जी हो जाए। और अभी जो हमारे पिछले उत्कांश की जो फोटोज़ है वो सारी की सारी गेस्ट हाउस वगैरह में लगी हुई है। तो ये चीज़ मोटिवेट करते हैं लोगों को कि फोटोग्राफी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। बहुत सही चीज़ है सर ये। तो अब मेरा क्वेश्चन बेसिकली कुलदीप सर से है। सर बहुत से लड़कों को फोटोग्राफर से जलन होती है, उनकी शिकायत होती है कि अगर हम लड़कियों की तरफ देखते हैं तो वो घूरती हैं हमें, और अगर आप लोग देखते हो तो वो स्माइल करके पोज देती हैं। नहीं यार, सीन मेरा तो कुछ अलग सा ही है, मुझे देखकर कोई स्माइल नहीं करता, भगती है। तो बाकी इन दोनों को देखकर काफी खुश होती है। एक्चुअली मुझे फोटोग्राफर कम समझ आता है, मेरे को बहुत कम लोग जानते हैं,
कि मैं भी हूँ फोटोग्राफी क्लब के अंदर, क्योंकि मेरा ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है लोगों के साथ, मैं मुँह छुपा कर निकल जाता हूँ, ऐसा सीन होता है इसलिए। हाँ, बाकी फोटोग्राफर को देखकर लड़कियाँ स्माइल इसीलिए करती है, लड़कियाँ फोटो कॉन्शियस बहुत होती है, फोटो खिंचवाने का शौक बस इसीलिए। अब तुम भी स्माइल ही करोगे अभी स्माइल। कहते हैं ना, इफ गॉड हैज मेड यू ब्यूटीफुल टेक्नोलॉजी विल, तो वो चीज़ है। सर मैं सर के लिए क्वेश्चन, क्योंकि आप जैसे मैनेजमेंट संभाल रहे हो, सर आपकी जो टीम है उसमें जो क्लब मेंबर्स हैं आपके, उनको आप मोटिवेट कैसे करते हो सर? गालियां भर के। बहुत गालियां पड़ती हैं। एक्चुअली उनको मोटिवेट करने का तो कोई सीन नहीं, मतलब बेसिकली हम बहुत कम वर्क देते हैं, हम पहले उन पर कोई प्रेशर नहीं रखते, हम उन्हें ऐसे फील कराते हैं कि वो एकदम फ्री हैं, मतलब अपने दम पे काम करेंगे कुछ भी, तो हम कभी फोर्स नहीं करते कि यार तुम्हें ये करना है तो ये करके देना, जितना फ्री रखोगे अगर उन्हें मन है तो वो पक्का करेंगे वो काम। एक कुलदीप सर के लिए एक क्वेश्चन है सर, आपकी राय जानना चाहेंगे कि सर जैसे हर सोसाइटी में होता है, तो यहाँ भी अगर हम कंपेयर करें सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में आपके अंडर स्टूडेंट्स हैं, उनमें कौन ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं इस टाइम? यार अभी जो सिनेरियो हमने देखा है उस हिसाब से तो हम बोलेंगे कि सेकेंड ईयर काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि एक्चुअली रिक्रूटमेंट का सीन ये था कि सेकेंड ईयर को जो रिक्रूट किया था वो हम लोगों ने किया था, और थर्ड ईयर जो रिक्रूट करके गए थे वो मिथुन सर जो हमारे सीनियर थे वो करके गए थे, और उनका कोई भी बेस नहीं था उनको रिक्रूट करने का, बस जिसको आना था उनको ले लिया, और इस बार हमने प्रॉपर इंटरव्यू वगैरह सब कंडक्ट करवाया इसलिए काफ़ी क्रीम निकल गया ये, तो इसलिए सेकेंड ईयर बेटर है थर्ड ईयर से ऑफकोर्स। तो सर मेडिसर से मैं क्वेश्चन करूंगा कि आपको लगता है कि जो इस बार थर्ड ईयर है, जैसा कुलदीप सर बोल रहे हैं, आप जहां पर थे आपकी जो पोस्ट की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उनको निभा पाएगी थर्ड ईयर, या फिर आप प्रेफर करेंगे कि सेकंड ईयर का कोई बंदा हेड बने? नहीं, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी आते ही हर एक बंदा रिस्पॉन्सिबल बन जाता है, बस अभी उन पे अभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि अभी हम हैं तीन हेड, हम सिर्फ काम देते हैं, पूरा काम बैकएंड का जो काम होता है हम संभालते हैं, तो उन्हें वो पता नहीं चल रहा कि कितना इंपॉर्टेंट है काम करना, जब वो आ जाएंगे उस पोजीशन पे वो संभल जाए, मतलब हमें इतना यकीन तो है अपने जूनियर्स पे जो भी अभी काम कर रहे हैं कोई थर्ड ईयर से। सर आपसे एक क्वेश्चन, लड़कियों को फोटोग्राफर्स में काफी इंटरेस्ट होता है, आप इस बात से कितना एग्री करते हैं? फोटोग्राफर पे होते बेसिकली पर्सनल बिहाफ पे मुझे आज तक मतलब ऐसी कोई लड़की मिली नहीं जो मुझे खुद अप्रोच करके बोल दिया कि सर मेरा फोटोग्राफी मतलब मेरा पोर्टफोलियो कर दो, कुछ ऐसे कोई लड़की मिली नहीं आज तक मुझे। सर आपने इस चीज़ का कितना फायदा उठाया? इसने तो बहुत फायदा उठाया भाई सर, फायदा ऐसी जो भी उठाता है, मैं सिंगल ही हूँ, कुछ फायदा उठाया। मेडी सर आप जो भी आपने स्टार्टअप किया है हैप्पी स्टील, इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं हमारे दर्शक? बेसिकली अभी हम बता दें कि पूरे फोटोग्राफी क्लब ने एक स्टार्टअप किया है हैप्पी स्टील, और जैसा कि हमने अभी एथलीट फेस्ट के दौरान देखा था, अभी कल्चरल फेस्ट में भी देखा था, सर उसके बारे में कुछ आप बताएंगे, क्या मोटिव है आपका? कॉलेज में बेसिकली क्या होता है, कॉलेज लाइफ में स्टूडेंट्स कॉलेज मतलब कोई भी ब्रांच का लड़का हो कॉलेज पढ़ के वो ये चाहता है कि वो एक जॉब अचीव कर ले, तो उसके बाद ख़त्म जॉब करेगा, अगर उसे फोटोग्राफी में इंटरेस्ट भी है तो बस 4 सालों के बाद ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा वो इंटरेस्ट। क्योंकि एक बार अगर वो बंदा जॉब कोई भी मतलब कोई भी प्रोफेशन ले लो, मैं सिर्फ फोटोग्राफी की बात ही नहीं कर रहा, कोई भी बंदा अगर जॉब करने लग गया तो जिससे भी रिलेटेड है को करिकुलर एक्टिविटीज़ में वो कट हो जाता है, तो मेरा ये प्लान था कि अगर हम कुछ ऐसा स्टार्टअप करें कॉलेज में रहते ही कि बंदे का प्रोफेशन मतलब अगर उसका जॉब है वो जॉब भी करते रहे, साइड बाई साइड वो फोटोग्राफी भी कंटिन्यू कर सकता है, इसी एक छोटे बेसिस पे मतलब मैंने अपने मेट्स के सामने रॉ आइडिया प्रेजेंट किया था, तो बाद में उनके सबकी सहमति देखी, हाँ ठीक है हम करना चाहेंगे, इट इज़ गुड, उस बेसिस पे हमने फिर हैप्पी स्टाइल शुरू किया था। कुलदीप सर आपका विजन क्या है हैप्पी स्टाइल को लेकर? हैप्पी स्टाइल्स को यही है यार कि एक बेसिक सा स्टार्टअप है, कोई भी खुद का कुछ भी खर्चा नहीं, हमने हमारा एक्चुअली बिना एक जीरो हमने पैसे अप्लाई करे हुए, जीरो मनी अप्लाई करे हुए हम लोग आउटपुट चाह रहे हैं, जैसे हम कर रहे हैं, जैसे कि तुम कर रहे हो एग्जैक्टली, कि फिर भी हमें प्रॉफिट चाहिए, तो वैसे ही प्रॉफिट और साथ के साथ में अब जो इसमें हमारा इंटरेस्ट है यदि हम उसमें परस्यू करेंगे तो वो बेटर होगा हम लोगों के, बहुत ज़्यादा बेटर होगा। तो सर अभी दो इवेंट्स हो चुके हैं आपके, एथलीट फेस्ट में आपने किया, उसके बाद अभी कांस में, तो कितना लगा आपको कि क्या प्रोग्रेस कर रहे हो आप? प्रोग्रेस काफ़ी है कि हमने अगर प्रॉफिट वाइज देखे तो आई गेस एथलेटिक फेस्ट में हमारा कुछ 3,000 अराउंड प्रॉफिट था, और इस बार उत्कांश में हमारा अराउंड 6,000 to 7,000
तो ऑब्वियसली बात है कि पॉपुलैरिटी हो रही है, पब्लिसिटी हो रही है, लोगों को काम पसंद आ रहा है। ये हमारा एक्चुअली पब्लिसिटी इवेंट था, हमारा ये पब्लिसिटी स्टंट था एक्चुअली। हम चाहते हैं कि लोग हमें रिकॉग्नाइज करें कि हाँ कि हैप्पी स्टिल्स है, दैट समथिंग हैज कमिंग ए केम इन कॉलेज, कि बच्चों को मतलब स्टार्टअप वाला जमाना है तो हम भी स्टार्टअप का ही मतलब ट्राई करेंगे। कांग्रेचुलेशन सर, आप मतलब काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला आपको इसके लिए। और सर अब टाइम हो गया रैपिड फायर सेक्शन का। तो सर सबसे पहले क्वेश्चन कुलदीप सर से, आपको मधु सर और सैसर सर में ज्यादा शरीफ कौन लगता है? दोनों आराम को रहे हैं। बेसिकली हमारा मोटिव है कि शरीफ कौन सा नहीं है। शरीफ दोनों ही नहीं है, दोनों अलग अलग तरीके से आराम को रहे हैं। शेषव ऐसे बाहर से बड़ा शरीफ सा दिखता है शक्ल से, बट अंदर से काफी आराम करा है। और मधु काफी मैनिपुलेटिव आदमी है, वो किसी का भी किसी भी टाइम चूतिया कर सकता है। सील का सबसे बड़ा लल्लीबाज कौन है? लल्लीबाज ऐसे टॉप पे पोजीशन जो है, हाँ ठीक है, मूल्य और मेरी है। कन्वीनर और कन्वीनर और मैं, हम दोनों में टक्कर चलते रहते, कभी कभी वो ऊपर आ जाते, कभी मैं ऊपर। बैटी सर आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक? मिस्टेक हमें तो पता है, हमें तो पता है। घरेलू आदमी काफी। सबसे बड़ा मिस्टेक ये है कि मैं बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेता हूँ किसी पे। आपकी फर्स्ट ईयर में कौन सी पिक सबसे ज्यादा वायरल हुई थी? थी यार एक सेमी न्यूड पिक थी मेरी। वो लड़कियों के मैसेज कर दी गई थी कि देख रहा हूं। जस्ट मेडिसिन आपके सर ड्रेसिंग सेंस के ऊपर। ओ यार मेरे मेरे ड्रेसिंग सेंस। सुनो सुनो, सिर्फ इस इंटरव्यू के लिए मैं ऐसा शर्ट पहन के आऊंगा, ऐसा पहनना कभी पहनता भी नहीं मैं। नया खरीदा हुआ है ये, महीने में एक बार निकलता है बर्थडे पर। आज का बर्थडे था इसलिए निकला इसे। हां कोई टेंशन। सेकंड ईयर में जब गर्ल्स की टाइमिंग 8:30 तक होती थी, तो आप कैसे मैनेज करते थे? काफी मेहनत लगती थी। द स्ट्रगल वाज रियल लिटरली, कि 8:30 तक काफी कुछ करना होता था, काफी कुछ मिलना होता था, मतलब 8:30 तक बात करना होता, बात करना खाना खाया। होमवर्क की पूछते थे, होमवर्क किया नहीं किया, असाइनमेंट की कई बार बातें चल जाती खुद के। सर इस्माइल उत्तरण आपको कैसा लगा? ये बहुत अच्छा था, काफी अच्छा इनिशिएटिव है। मैं विश करूंगा कि तुम और भी आगे जाओ। और अच्छे अच्छे लोग, काफी मेहनती है, बहुत मेहनत है। अभी जैसे कि हम लोग यही नोटिस कर रहे थे, हाँ, कि तू कितना मेहनती है, वहां से तू उठाकर चेयर्स उठाकर लाया, कि क्योंकि तेरे को पूरा खुद का शूट करना था। ये डेडिकेशन काफी प्यारा है, रात को 12 बजे शूट करा रहा है। नाइस बट डेडिकेशन। और इसने बिल्कुल भी अपना नहीं छोड़ा कि हां भाई करना ही है, आपको करना ही है, पीछे पड़ा रहा। नाइस, बहुत अच्छी थी, बहुत सही। हां अगर इनिशिएटिव लेते हो तो करो, मेहनत करो, फल मिलेगा। थैंक यू सर, आप शो में आए, आपने इतना टाइम दिया हमें, थैंक यू। तो ये थे NITJ फोटोग्राफी क्लब के हेड्स मैडी सर, कुलदीप सर और सैसर सर, जिनके बारे में आज हमने जाना। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो ऑफ स्माइल विद प्रवीण। एंड गाइस आई डू पर्सनली सजेस्ट यू टू प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू। हाँ सर, रेडी सर।